हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कबूतर इज ए किंग। यहाँ पर देखिए गाइस, इसमें सिराज के पैर और उसका बच्चा रहता था ना, और सिराज का बच्चे को बिल्ली ले लगी है गाइस। पता नहीं है वे केस भी बंद है, कैसा ले गई है कि मालूम नहीं है गाइस। डायरेक्ट उसका सिर नहीं है गाइस, उसके अलावा उसका बॉडी पूरा वैसा ही है। ये तो इसमें से ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं फिर से ये सिराज का पैर को इसमें कर दिया हूँ गाइस। लोहे का केस है ना, इसमें तो चारों साइड से प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन ये दाल ने चौंडा दे चुकी है गाइस सिराज ने। अभी ये भी हमें नहीं रखना है गाइस, जल्द से जल्दी से दूसरों को देने वाला हूँ, एक हफ्ते को। हमें अभी छोड़ना ही, हमारा शौक बंद हो जाएगा गाइस इसे। जितने सारे कबूतर गाइस, 2 साल हमसे कबूतर ही कबूतर रहते थे। ये केज यहाँ पर रहता था गाइस पहले में, यहाँ पर ऊपर एक केज रहता था, नीचे वो केज ही रहता था। सभी भी 30 और 40 पे रहते थे गाइस। और अब एक केज को मैं पूरा खोल दिया हूँ, ऐसा खोल लेके ऊपर डाल दिया हूँ। एक घर पूरा भी आज कंप्लीट होने वाला है गाइस, सभी भी प्लास्टर लगा चुके हैं, अभी ऊपर का बाकी है गाइस। वो ये सभी भी आजकल में हो जाएगा गाइस, आज नहीं है, अभी कल परसों में हो जाएगा। और नीचे का लो बोर्ड्स को यहाँ पर सेट कर देना है गाइस, वो भी थोड़ा बहुत पैर बन चुके हैं गाइस, मैं देख लिया हूँ दूर से, वो थोड़ा बहुत प्यार कर लेते हैं, उनको भी अच्छे तरह से एक मटकी लगा के रख देंगे गाइस। सभी सारे कबूतरों को एक बार ही, कबूतरों तो अभी ख़त्म होने वाले हैं, अभी ज़्यादा सरप्राइज आने वाले गाइस जल्द से जल्दी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आने के बाद अभी भी नहीं है गाइस, वो आने के बाद ही बता देंगे, कभी भी मैं बताता हूँ ना, वो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ गाइस। हाँ गाइस, ये देखिए गाइस, इसका मुझे लगता है कि इसे धूप का मार लग गया है गाइस। ये बहुत ही मुंह खोल के फिर भी सांसें लेती है आज, कल दोपहर में गाइस ये भी, और मुझे लगा है कि आज शाम में बहुत ही बुरी हालत में है गाइस। ये तो देखिए अभी भी थोड़ा बहुत छोच कर रही है, अभी ये बेहतर हो चुकी है गाइस, कल देखे तो एक्सपायर होती को मैं समझाऊँ गाइस, लेकिन ये अच्छे तरह से बिल्कुल अच्छी तरह हो गई है गाइस। इसमें से 5 अंडे है गाइस, इसमें से एक बच्चा बाहर आ चुका है, ये 4 अंडे अभी बाकी है। ये भी आज ये धूप के वजह से बाहर आके बहुत देर तक भी बैठी ही रहती है गाइस, अंडे पर थोड़ा बहुत कम भिड़ती है, इसलिए हमें ये क्लॉथ डाल दिया है गाइस। ऐसा ही इसके ऊपर थोड़ा ये क्लॉथ को अच्छी तरह से भिगो लेके इसके ऊपर डाल देते हैं। 3 साइड भी कवर है गाइस कार्डबोर्ड से, और एक साइड ये क्लॉथ से हमें थोड़ा ही गैप रख के इसे भिगो के डाल देते हैं गाइस, इससे ये थोड़ा बहुत बेहतर फील हो गए हैं। आज मुझे इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्रेस लग गया है गाइस, अच्छी तरह बेहतर हो चुके हैं, अच्छी तरह बैठ चुके हैं। ये फीमेल तो ठीक ठाक है गाइस, ये मेल थोड़ा बहुत ढीला है अभी भी, देखेंगे बेहतर हो जाएगा। ये समर में इनको कैसा बचपन है कि क्या, यहाँ तो सीढ़ी बहुत ही क्लोज रहता है गाइस, ये सभी भी पेड़ पौधे इसके अराउंड ही रहते हैं, यहाँ पर उतना ज़्यादा सेक नहीं आता है, लेकिन इनको थोड़ा बहुत धूप का ही लगा मुझे ऐसा कब आता है गाइस, देखेंगे क्या चलता है कि।